वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। आई एम दुष्यंत। होप सब अच्छे होंगे आप और पढ़ रहे होंगे। आपके जो भी अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके रिलेटेड, जैसे हमने डेली करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आज हम 4 सितंबर के डेली करंट अफेयर सीरीज़ पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे, जो भी रहेगा, वो आज आपको पढ़ा दिया जाएगा 4 सितंबर का। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आपको वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है या कोई भी अपने एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ एडमिटेड द यूनियन अरब एमिरेट्स, यूरुग्वे एंड बांग्लादेश एड्स इट्स न्यू मेंबर्स? किसने किया है ये? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया गया। याद रखिए, किसने किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया है। ये किसके, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया है, ये किसके अंडर आते हैं? ये ब्रिक्स के अंडर आते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रश इंडिया चाइना ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। और ये किसने सेटअप किया है? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसने सेटअप किया है? ये ब्रिक्स ने किया है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। और उन्होंने न्यू मेंबर्स को ऐड किया। फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट बैच है ये जो इसमें न्यू कंट्रीज ऐड किए हैं। इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आएगा, यूरुग्वे आएगा या उरुग्वे बोल लीजिए, और बांग्लादेश को लाया गया है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक कब लॉन्च किया गया था, ये बनाया गया था? ये 2015 में बनाया गया था, वही ब्रिक्स कंट्री दोबारा। और इसके हेड क्वार्टर शंघाई चाइना में। अब प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो टोडजे। याद रखिए, किस किसके द्वारा बनाया जाता है ये, किसके अंडर है? ब्रिक्स के अंडर। और कौन कौन सी जो न्यू कंट्रीज लाई गई हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरुग्वे एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्टेड हाफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैव नो सोशल प्रोटेक्शन, मतलब उनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो ये कौन सी एजेंसी ने बनाया, जो WHO की है? इंटरनेशनल, याद रखिए, किसने बताया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि ये जो जो इनकी रिपोर्ट आई है, जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट थी, याद रखिए कौन सी रिपोर्ट थी? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 और 2022 को, जो जब अभी कोविड था, तो इसके बीच में, मतलब अभी कुछ चल भी रहा है, तो कोविड में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 4 बिलियन पीपल जो वर्ल्ड में हैं उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, कोई भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो इसके लिए इन्होंने बताया बताया था। और रिपोर्ट किसके किसकी थी, याद रखिएगा, किसने बताया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इन्होंने ये बताया था कि कोविड-19 के अंडर, मतलब यहाँ पर 53% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय राइडर। और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। और याद रखिएगा, इनका डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? ILO का 11th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड ए 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाई FSSAI? FSSAI क्या है? FSSAI क्या है? ये है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसको अवार्ड, किसको सर्टिफिकेट दिया गया? ये दिया गया है चंडीगढ़ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए पैसेंजर्स को। तो ये सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? ये करता है, जैसे मैंने आपको बताया, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हाइजीन को देखती है, फूड स्टोरेज कैसे करते हैं, क्या मतलब क्या क्या क्वालिटी रहती है, न्यूट्रिशियस फूड होता है नहीं है होता है, उसको देते हैं। तो ये जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, ये 5th स्टेशन बन चुका है इंडिया का जिसको ये रिकॉग्निशन मिली है। और इससे पहले काफ़ी स्टेशन आ चुके हैं, जैसे नंद विहार टर्मिनल स्टेशन, उसके बाद मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बाकी आप पढ़ सकते हैं। याद रखिए, किसने किया? FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, फॉर हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। विच IIT स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी हैव डेवलप्ड ए लिविंग प्लांट बेस्ड एंड प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर डैट एम्पलीफाइज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन द इंडोर स्पेसिस? इंडोर स्पेसिस यानी कि हॉल रूम वगैरह, यहाँ पर ही वो एयर को प्यूरीफाई कर देगा। तो किसने किया है, याद रखिएगा, किसने किया है? IIT रूपाड़ ने। रूपाड़, IIT रूपाड़ एक स्टार्ट इनकी स्टार्टअप कंपनी है। सभी IIT की अपनी स्टार्टअप कंपनी होती है। इनकी स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अर्बन एयर लेबोरेटरी। इन्होंने एक डेवलप किया है लिविंग प्लांट बेस्ड, मतलब एक अंदर प्लांट ही होगा उसके अंदर, और फिल्टर उसका मतलब प्यूरीफायर बनाया गया जिसका नाम होगा स्मार्ट बायो फिल्टर,
जो क्या करेगा, एयर को प्यूरीफाई करेगा, वो भी जो भी इंडोर स्पेसेस होंगे, रूम के अंदर ही एयर को प्यूरीफाई करेगा। याद रखिएगा कि किस किस किसने बनाया है, IIT रूपर ने, इनकी जो भी स्टार्टअप कंपनी है अर्बन एयर लेबोरेटरी, उन्होंने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल हैज़ द अलाहाबाद हाई कोर्ट अर्क टू डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अलाहाबाद कोर्ट ने क्या किसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि कौन से एनिमल को हमारा नेशनल एनिमल बनाना चाहिए, तो वो किसको किया गया, वो किया गया है कौ को। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं, इन्होंने अलाहाबाद कोर्ट में मतलब एक कोई कोई केस चल रहा था, तो उसके बाद इन्होंने बताया है कि मतलब हिंदूज के फंडामेंटल राइट्स के लिए ये होना चाहिए, कौ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और इसको हमारा नेशनल एनिमल बनाना चाहिए। आप शायद इस क्वेश्चन को न्यूज़ में भी स्किप कर देंगे, बट आप 3-4 मंथ बाद जब कोई अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया, फिर आपको ये याद तो रहेगा कि हाँ ये पढ़ा था, न्यूज़ में था, बट आपको ये नहीं रहा याद रहेगा कि किसने किया था। तो इसके लिए ये पढ़ लीजिए, किसने किया था, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और इन्होंने ये भी एडवाइस की है सेंट्रल गवर्नमेंट टू, जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्लेयर कौ एज द नेशनल एनिमल। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी बाय अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिक सर्जन्स। ये काफ़ी मतलब पॉपुलर ये एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिक सर्जन्स, इन्होंने किया है। और किसको मिला है, ये मिला है बसंत कुमार मिश्रा जी को ये अवार्ड। ये मतलब जो भी इन्होंने अपनी मेडिकल सर्विस दी है, जो भी अच्छी मेडिकल सर्विस दी है, उसके लिए इनको मिला है। तो ये याद रखिए किसको मिला है, बसंत कुमार मिश्रा जी को, जो और बसंत कुमार फर्स्ट इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये क्या है, न्यूरोसर्जन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये मतलब इनको डॉक्टर, इनको साथ में डॉक्टर बी सी रॉय अवार्ड भी मिल चुका है इसी फील्ड में। और साथ में ये किसके बेटे हैं, ये हैं बद्रीनाथ मिश्रा जी के बेटे हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट थे और एक राइटर थे, जो काफ़ी पॉपुलर थे। और जो भी इन्होंने योगदान दिया है अपनी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। याद रखिएगा अवार्ड का नाम, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च मिशन वस्थालिया। किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी जिन्होंने अपने मतलब लेडीज़ हैं, जिन्होंने भी अपने हस्बैंड को खोया है कोविड-19 में, उनको कुछ स्कीम प्रोवाइड किए जाएंगे, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कि मतलब क्योंकि घर भी वही चलाते थे, काम भी वही करते थे, ऐसा नहीं होगा कि वुमेंस भी करते थे, पर घर मतलब मैक्सिमम यही होगा कि मतलब जो उनके हस्बैंड थे वो घर चलाते थे, पैसा पैसा भी वही लाते थे। तो उनका जो जो मतलब उनके लिए मतलब उनकी मतलब अगर उनकी मतलब हेल्प हो सके, तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है वस्थालिया, याद रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये लॉन्च की है मिशन वस्थालिया। और यहाँ के सीएम कौन है, जैसे आपको पता होगा उद्धव ठाकरे जी हैं, और गवर्नर कौन है, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह किशोर जी, याद रखिएगा गवर्नर कौन है, भगत सिंह किशोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बुक टाइटल हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड कंपाइल्ड बाय हुम, ये किसने किया है, ये किया है धीरज खंडवाला जी ने, जो एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, जो फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, और एक पोइट और एक ये और ये एक पोइट भी हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और एक ये पोइट भी हैं। और ये बुक मतलब एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूज़फुल होगी, जो भी मतलब आप बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए, वो अपना मतलब रूल एंड रेगुलेशन जान पाएंगे एनवायरनमेंट में, जो भी मतलब ये चल रहा है। और जैसे यहाँ बताया, दिस बुक विल आल्सो बेनिफिट द स्टूडेंट्स, ला रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। तो जैसे इन्होंने इस फील्ड में काम किया है, ये IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, इस एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है, और ये चाहते हैं कि मतलब इन्होंने इसलिए बुक इसलिए लॉन्च की कि जो भी इस बिज़नेस में आना चाहता है उनको रूल एंड रेगुलेशन पता हो, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। याद रखिएगा ये फॉर्मर IAS ऑफिसर थे और एक पोइट हैं। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च अनमैंड एरियल व्हीकल, तो जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं,
ALUAV एयर लॉन्च अनमैन व्हीकल। तो इंडिया ने किसके साथ ये किया है? इंडिया ने किया है ये यूएसए के साथ, यूएसए एयरफोर्स के साथ ये मिलकर किया जा रहा है। और इंडिया की यूएसए एयर रिसर्च लेबॉरिटी कर रही है, और यूएसए एयरफोर्स मिलके और साथ में इंडिया की तरफ से DRDO ये कर रही है। इन्होंने साथ में डील साइन की है। डील तो 2006 की इनकी साइन हुई थी कि जो भी हम डेवलप करेंगे वो हम टेस्ट भी करेंगे, अगर अच्छा लगा तो हम उसको लॉन्च भी करेंगे। जैसे यहाँ बताया गया हुआ है 2006 में इनकी डील ये साइन हुई थी इंडिया और यूएसए की। तो जैसे ही आपको पता, जम्मू मिलिट्री स्टेशन में भी अभी अटैक हुआ था, एयरफोर्स स्टेशन में भी अभी मतलब ड्रोन से अटैक किया गया था, और भी काफ़ी जगह देखा गया था। तो इससे बचने के लिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि ये मिलिट्री एरियाज में ऐसा कभी कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेन हमारे यहाँ का सिक्योरिटी बेस होता है। यहाँ से मतलब पैसेंजर्स वगैरह भी जा रहे हैं, अगर एयर बेस था यहाँ से तो वहाँ पर ऐसा हुआ है तो आगे से ऐसा हो नहीं। तो ये मतलब ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि हवा पे ही उसको मतलब चाहे वो हार्ड होगा सॉफ्ट होगा मतलब जैसा भी होगा उसको मतलब वहाँ हवा पे किल कर दिया जाएगा। मतलब इसमें उनको कहा जाता है कि हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल, हवा में मार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन टू विन टू मेडल एट ए सिंगल पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स। काली जीता है और इन्होंने थोड़े दिन पहले भी जीता, अवनी लिखारा जी ने। सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और ये जयपुर के हैं याद रखिएगा। और इनके नाम पर अभी जो इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का इनको बनाया गया है। इनके बारे थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि इन्होंने 30 अगस्त को इन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर राइफल में, और इन्होंने कल ब्राउन मेडल जीता है 15 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ओनली इंडियन इन आर्चरी टू विन मेडल इन आइदर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। तो ये किसने जीता है? ये जीता है हरविंदर सिंह जी ने, इन्होंने भी कल जीता है, याद रखिएगा क्या नाम है, हरविंदर सिंह जी। तो हरविंदर सिंह जी ने किम मिन सू को बीट किया है, जो साउथ कोरिया के थे, इनको शूट ऑफ में बीट किया है और ब्राउन मेडल जीता है मैंस इंडिविजुअल में। याद रखिएगा क्या है, आर्चरी आर्चरी इनकी गेम थी, और नाम क्या था, हरविंदर सिंह, जिन्होंने ब्राउन मेडल जीता है। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और रेगुलर आपको 9 बजे वीडियोस मिल जाएंगी, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।